भी करते हैं शुरुआत। अब आपको सीधे ले चलते हैं पौड़ी, जहां पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। लोकेश्वर जी और यहां आए हुए हमारे सभी क्षेत्र के सभी गणमान्य, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान दीप्ति और सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें मेरी जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे साहसिक खेल के क्षेत्र में हमारे उपस्थित सभी खेल प्रेमी, एंगलिंग से जुड़े हुए सभी महानुभाव और पूरे विधानसभा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे परिवारजन, स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सभी का आज इस न्यार महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और ये उत्सव वास्तव में जब भी कोई उत्सव होता है तो उत्सव ये किसी हमारे लिए सबके लिए खुशी का अवसर होता है, हर्ष और उल्लास का अवसर होता है, हमारे अंदर नई चेतना, नए उमंग का अवसर होता है। और आप सब भी मैं देख रहा हूं दूर दूर से आज उत्सव में भाग लेने आए हैं। मैं इस अवसर पर गंगा मैया और न्यास नदी के संगम की इस पावन भूमि पर महर्षि व्यास की पवित्र तपस्थली को अपना मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पवित्र भूमि पर आकर आज यहां पूजा अर्चन करने का और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो न केवल इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे विकास और विस्तार दोनों देने का काम करेगा, यहां का पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहां के लोगों की जो आर्थिक प्रगति है वह भी उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि आपकी विधायक जी ने यहां से कहा, रेणु जी ने, कि कुछ समय पहले ये डांगो क्षेत्र हमारा, ये पिछले क्षेत्रों में इसकी गिनती होती थी, लेकिन मैं आज मां गंगा के समक्ष, मां गंगा को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के पंख लगने वाले हैं, विकास के क्षेत्र में क्षेत्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये न्यार महोत्सव हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, साहसिक खेलों और पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं उन सबको सबके सामने ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। और इस प्रकार के महोत्सव से निश्चित रूप से जहां क्षेत्र की पहचान बढ़ती है, क्षेत्र में जो पर्यटन और विकास की संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को पंख लगते हैं और हर दृष्टि से क्षेत्र के आगे बढ़ने में इस प्रकार के महोत्सवों का बहुत ही महत्व है। ये हमारी जो परंपराएं हैं, पुराने समय में जो हमारे त्योहार होते थे, पर्व होते थे, महोत्सव होते थे, उनको और हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, बात नहीं बनने पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। देर रात अखिलेश यादव ने फेसबुक पोस्ट कर यह ऐलान किया है, 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर इंडिया गठबंधन चुनावी हुंकार भरेगा कांग्रेस के साथ, और बूथ कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सपा का प्रचार करेंगे, यानी कि समर्थन करते हुए नजर आएंगे अखिलेश। सीट की नहीं, जीत की बात है।
अखिलेश यादव ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। अखिलेश गाजियाबाद और खैर सीट पर भी उतारेगी सपा प्रत्याशी। तीन सीटों पर कांग्रेस के साथ नहीं बनी है सहमति, और जिसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस सहमति नहीं बनने पर अकेले ही चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस समर्थन देने के मूड में है। पांच सीटें लगातार कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही थी, दो सीटें खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के पाले में गई थी, हालांकि कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद अब समर्थन देती हुई नजर आएगी यूपी उपचुनाव में। इस सीट शेयरिंग का असर महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर भी इंडिया गठबंधन में पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवार उतार दिए, उसके बाद सियासत तेज है, और ऐसे में कांग्रेस अपने पांव को पीछे करते हुए उपचुनाव से अपना हाथ उठाया है और अब समर्थन करती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर यह ऐलान किया है। देर रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत ही हुई, ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, और बात नहीं बनने पर अब कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, लगातार ऐसी बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को वो सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस अकेले ही चुनावी दंगल में खड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब समर्थन देने के मूड में। देखिए श्रुति, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव का मैदान छोड़ दिया है और कहा है कि हम त्याग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, बड़ा त्याग कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह से, अमेठी से ताल्लुक रखते हैं दीपक सिंह। उनका कहना है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस जो है वो त्याग कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो स्थिति है वो तू डाल में पात पात वाली स्थिति है, बार्गेन चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ने त्याग किया है तो अब बात महाराष्ट्र तक जाएगी, जहां पर अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 12 सीटों पर दावा किया है, सीट शेयरिंग की डिमांड की है, 12 सीट मांगी है। तो कांग्रेस और सपा में एक तरह की बार्गेनिंग चल रही है। फिलहाल अभी जो तस्वीर है दोनों पार्टियों की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके साफ कर दिया है, निशान साइकिल होगा लेकिन चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। बिल्कुल, सीट शेयरिंग के जो भी अटकलें थी उस पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सभी को बता दिया है कि साइकिल के निशान पर ही ये चुनावी हुंकार भरी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या खैर और गाजियाबाद सीट जिस तरीके से कांग्रेस को दी जा रही थी तो क्या कांग्रेस डर गई, क्योंकि वहां पर दोनों ही सीटों पर भाजपा का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जनाधार तो जो 9 सीटें हैं उनमें से किसी पे भी खास जनाधार नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं उससे जो है इंकार भी नहीं किया जा सकता कांग्रेस को। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मजबूत सीटें थी 7 सीटें वहां पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कल तक ये एक खबर निकली मीडिया में आई कि जो फूलपुर सीट है वो कांग्रेस को दी जा सकती है, एक तरफ मीडिया में ये खबरें चल रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का वहाँ पर नामांकन हो रहा था, वहाँ पे जो इंद्रजीत फरोज है समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने ये खारिज कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंदर की बात कुछ और थी और मीडिया में खबरें कुछ और आ रही थी, इस तरह की बात जो है मीडिया में प्रचारित की गई, लेकिन कहीं ना कहीं खटपट अंदर से जरूर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, लेकिन भाजपा को हराने के लिए अब दोनों दल जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस का बेहद सोचा समझा कदम है, क्योंकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो कदम है, क्योंकि जिस तरीके से खैर और गाजियाबाद सीट दी गई थी यहाँ पर वर्चस्व है भाजपा पार्टी का। अगर बात करें फूलपुर सीट, पुस्तैनी सीट मानी जाती है कांग्रेस की, और कहा जा रहा है कि नामांकन कर दिया गया
समाजवादी पार्टी ने, इसकी वजह से फूलपुर सीट पर समर्थन नहीं मिल पाया, सहमति नहीं बन पाई। देखिए स्थिति, समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। अगर कांग्रेस बहुत दबाव बनाती तो जो मुस्लिम वोटर है उनमें एक गलत मैसेज भी जाता। कांग्रेस का जो अपना मुस्लिम वोटरों को लेकर के है वो स्थिति बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर वाली है, तो किसी तरह से विवाद ना हो इसको देखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम उपचुनाव से दूर ही रहेंगे, मैदान में नहीं रहेंगे। और अब इस स्थिति को त्याग का रूप दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अनिल जी, ये नाराजगी को त्याग का रूप देने की पूरी कोशिश की गई है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जनादेश क्या आता है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से लगातार अटकलों का बाजार गर्म है, वहीं अब इस पर विराम लग गया है क्योंकि दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी और अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए ऐलान कर दिया कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन सपा की साइकिल चिन्ह पर चुनाव में लड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। चुनावी रण में बीजेपी के 33 उम्मीदवार, नामांकन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी भाजपा, कई राज्यों के सीएम और नेता होंगे मौजूद। दूसरी तरफ जेएमएम की पूरी तैयारी, गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन ने किया है नामांकन, हेमंत सोरेन भी करेंगे बरहेट से नामांकन, महुआ मांझी ने दाखिल किया है नामांकन। लगातार दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, ऐसे में नामांकन का दौर जारी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और ऐसे में चुनावी रण में बीजेपी के 33 उम्मीदवार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी भाजपा, कई राज्यों के सीएम और नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। गांधी विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने नामांकन कर दिया है, वही हेमंत सोरेन भी बरहेट से नामांकन करेंगे। महुआ मांझी ने भी दाखिल किया है नामांकन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी नामांकन करती हुई नजर आ रही है। गांधी विधानसभा सीट से इस बार चुनावी हुंकार भरेगी कल्पना सोरेन। तो पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बेहद सक्रिय नजर आई थी कल्पना सोरेन और ऐसे में चुनावी दंगल में उतर चुकी है कल्पना सोरेन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, सियासत तेज है चुनाव को लेकर, कल्पना सोरेन ने नामांकन भी भर दिया है, वहीं बीजेपी के 33 उम्मीदवार नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल सत्ता की लड़ाई में जो महासमर में निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यानी समझ सकते हैं कि बीजेपी के आज लगभग 33 से अधिक उम्मीदवार जो है बीजेपी से नामांकन करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम चरण के लगभग 16 से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन करने जा रहे हैं और उसके लगभग 13 उम्मीदवार वो नामांकन करेंगे। तो निश्चित को लेकर के जो विलंब हो रही है और सीटों को बंटवारा को लेकर की लड़ाई के बाद जो अब है झारखंड की तस्वीर अब साफ साफ नजर आ रही है। अब क्या है कि आज नामांकन होगी, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब कुछ ही देर में वो नामांकन बरहेट विधानसभा से करेंगे। तो निश्चित रूप से ये झारखंड की पार्टी की लड़ाई है वो पार्टी तक है। अब क्या है कि नामांकन के बाद अब सियासी बयानों के बीच में अब सियासी की लड़ाई और अब तक जंग जीती जाएगी। तो निश्चित रूप से देखा जा सकता है झारखंड को लेकर के काफी तैयारियां लंबे समय से जो है बीजेपी कर रही है। चुनावी हुंकार दोनों ही पार्टियों की तरफ से भरी जा रही है, ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, वहीं वो कौन से मुद्दे हैं जो राज्य सरकार यानी कि जेएमएम को फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। देखिए चुनावी की लड़ाई में आप बीजेपी जिस प्रकार से लगातार जो है सरकार पर हमला बोलता रहा है, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस प्रकार से 2019 के में उन्होंने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की जनता से उन्होंने वादा किया था, उन्हें रोजगार देने की बात की थी, युवाओं को भत्ता देने की बात की, तमाम योजनाओं की बात की थी, वो वैसे योजनाओं में सरकार के जिस भी कारण से हालात रहा है वो कार्य जो अपनी मैनिफेस्टो के अनुसार वो अपनी जो है झारखंड की धरती पर वो उतरने में असफल रहे। तो निश्चित रूप से जो
मामला निश्चित रूप से लिया गया है। दूसरी तरह आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस प्रकार के संथाल प्रदाना में बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर के हमेशा आवाज उठर कर लगाना चाह रहा है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सरकार पर आरोप लगे रहे हैं कि ये झारखंड की सियासत में सत्ता की लड़ाई में ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात की जनता के बीच हमेशा मुखर बात आवाज करता रहा है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं और परेशान करते रहिए, उन्होंने गलत तरीके से साजिश के तरीके से उन्हें जेल भेजा गया और झारखंड में काम करने नहीं दिया, यानी आदिवासियों का हक हकमारी की गई है। और वैसे में लगातार आप देख सकते हैं कि झारखंड में एक हजार 32 करोड़ रुपये जिस सरकार से मांग किया है और उन्होंने कल ही अपने कोहलान के क्षेत्र में कहा है कि सरकार जो है वो सरकार के बकाए के पैसे को नहीं देने के कारण झारखंड का हक और अधिकार छीनने का काम किया। ऐसे में तमाम चुनावी मुद्दे हैं, वादे हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा आज कि आखिर जनता किन वादों पर उन्हें विश्वास होता है, विश्वास जताती है। बहुत शुक्रिया जय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही खबर जयपुर से है जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें से 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा है। वही रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबेर को टिकट मिला है। पूर्व विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। इधर खीवसर से रतन चौधरी के नाम की घोषणा के बाद उनके पति ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन की चर्चाओं को खत्म कर दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 6 और गुरुवार को आखिरी बची सीट 84 से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो टिकट कटने के बाद बेहद भावुक नजर आए नरेश मीणा। भाइयों, हमें उम्मीद थी और हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इस दौर में आपने जो मेरा सहयोग किया, साथ दिया, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। और भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल का विशेष धन्यवाद। सबका ये कहना है कि अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ जो बैठे हैं सारे देवली नेरा के जो लोग हैं, और ये बात सही भी है, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो हालात हमारे हड़ौती में, मैंने प्रहलाद जी गुंजल साहब का काम देखा है, अभी वो भी टूटे हुए हैं बेचारे, और हमारी जोड़ी बिखर जाएगी। और मैं नहीं चाहता हम दोनों की जोड़ी बिखरे। मैं भी सीधा कोटा जाऊंगा भाई साहब के पास और उनके मार्गदर्शन में हड़ौती में काम करूंगा। धन्यवाद, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है, कोई भावुक है तो कोई बेहद आक्रोशित। 7 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद कई दिग्गज नेताओं में नाराजगी का मंजर। इनमें से 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे पर विश्वास जताया है और उन्हें मैदान में उतारते हुए नजर आए। वही रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबेर को टिकट दिया गया। वही टिकट कटने पर कई नेता बेहद भावुक नजर आए हैं। नाराजगी का ये मंजर है। तो चुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। खीवसर से रतन चौधरी के नाम की घोषणा के बाद उनके पति ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन के चर्चाओं को खत्म कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कांग्रेस के इस ऐलान के बाद 7 उम्मीदवारों को उतार दिया है 7 सीटों पर, लेकिन उसके बाद नाराजगी का मंजर भी देखा जा रहा है। कई नेता भावुक हैं तो कई बेहद आक्रोशित। देखिए, राजस्थान उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है और कांग्रेस ने जहां देर रात प्रत्याशियों की सूची जो जारी की है, उस बात से साफ जाहिर हो गया है कि इस बार कांग्रेस किसी तरह का गठबंधन यहाँ के चुनाव नहीं चाहती है। जो अलायंस के तहत राजस्थान में लोकसभा चुनाव में देखने हनुमान बेनी साइडलाइन किया है, राजकुमार गौर को भी उन्होंने साइड किया है। दोनों एक जंतर और 84 विधानसभा दोनों विधानसभाओं को देखा, कांग्रेस ने इंडिविजुअल कैंडिडेट उतारे हैं। और खास बात यह है कि इन चुनावों के अंदर जो मांग कर रहे थे नरेश मीणा। कुलदीप, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है।
जो आप अपने फोन को अपने पास रखे। कांग्रेस और जो प्रत्याशियों जा रहा था, जो भी आज है पार्टी के स्थिति में थी वो साफ पार्टी के कुलदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उपचुनाव को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, इनमें से 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनावी के दंगल में नजर आएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।